नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। भाजपा ने पार्षदों की सूची की जारी। घर के बाहर सो रहे श्रमिक की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। टमस नदी के किनारे चल रहे जुए की फड़ में पुलिस ने मारी रेड। खबरें विस्तार। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा कार्यालय से जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा शहर के 45 वार्डों के पार्षदों के टिकट फाइनल कर उनके नामों की घोषणा। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के टिकट फाइनल करने में भाजपा एवं कांग्रेस दोनों में जद्दोजहद की स्थिति चल रही है, लेकिन भाजपा ने आज शाम नगर परिषद एवं नगर निगम के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस की सूची 16 जून तक जारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। बता दें कि जारी की गई सूची के अनुसार वार्ड क्रमांक 1 से श्रीमती पूर्णिमा रावत, वार्ड क्रमांक 2 श्रीमती ममता कुशवाहा, 3 श्रीमती संजना वर्मा, वार्ड नंबर 4 से दारा सिंगौड़, 5 से श्री अरुण तिवारी, 6 से श्री प्रभात दीक्षित, वार्ड नंबर 7 से श्रीमती अर्चना पांडे, 8 से श्रीमती सरोज सेन, श्रीमती बिमला सिंह 9 वार्ड से, 10 वार्ड से वीरेंद्र पटेल, 11 वार्ड से श्रीमती शशि परमार, 12 वार्ड से श्रीमती ज्योति सिंह, 13 वार्ड से मानवेंद्र द्विवेदी, 14 वार्ड से श्री प्रकाश श्रीवास्तव, 15 वार्ड से श्रीमती सुशीला पटेल, 16 वार्ड से शालिग्राम सेन, 17 वार्ड से श्रीमती वंदना सिंह, 18 वार्ड से अंबुज रजक, 19 वार्ड से श्री समीर शुक्ला, 20 वार्ड से दीनानाथ वर्मा, 21 वार्ड से सतीश सोनी, 22 वार्ड से सरस्वती गुप्ता, 23 वार्ड से श्रीमती शिक्षा पांडे, 23 वार्ड से श्रीमती शिखा पांडे, 24 वार्ड से वेंकटेश पांडे, 25 वार्ड से श्रीमती सुधा तिवारी, 26 वार्ड से मनोज सिंह, 27 वार्ड से शंकर सहानी, 28 वार्ड से सुशील चौधरी, 29 वार्ड से श्रीमती शिवमाला यादव, 30 वार्ड से श्रीमती नीता कुशवाहा, 31 वार्ड से श्रीमती श्रद्धा ठारवानी, 32 वार्ड से श्रीमती वंदना नंदलाल ताम्रकार, 33 वार्ड से सौरभ अग्रवाल, 34 वार्ड से अब्दुल रहीम जुगनू, 35 वार्ड से सैयद अख्तर अली मुन्ना, 36 वार्ड से सूरज केवट, 37 वार्ड से श्रीमती मंजू प्रकाश सोनी, 38 वार्ड से श्री राज बोहर चौधरी, 39 वार्ड से श्रीमती सरोज बंसल, पति श्री चैतलाल बंसल, 40 वार्ड से श्रीमती सितारा, पत्नी सरोज बंसल, वहीं 41 वार्ड से श्रीमती कोमल वर्मा, 42 वार्ड से इकराम खान, 43 वार्ड से श्रीमती हेमलता सिंह, 44 वार्ड से श्रीमती पुनीता पाठक, 45 वार्ड से श्री परम सुख कुशवाहा। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के कुछ अंश। सूची को चयन करने में दीवा नगर में निवासरत सभी प्रकार के जाति वर्ग समूह का समीकरण बनाने का प्रयास किया गया है। हमारे सभी माननीय विधायक सांसद 12 नगर पंचायतें हैं। अभी पहले 11 थी, डभौरा एक नई नगर पंचायत बनी है। हमने डभौरा, सिमौर, बैकुंठपुर, सिमरिया, तेवथर, मनगवा, नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना, गुड़ और गोविंदगढ़ 11 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। सभी 15 वार्डों प्रत्याशी घोषणा की गई है। चाक घाट की घोषणा भी शीघ्र ही कर दी जाएगी। अब आज घोषणा हो गई है, कल से पर्चा दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। अब प्रत्याशी का अपना मुहूर्त देखता है, कोई का कुछ होता है, कोई का कुछ होता है अपने। ये भी हम आपको जल्दी सूचना दे देंगे कि वहाँ पर ठीक है ना, 16, 17, 18 तीन दिन है ना। पंचायत चुनाव के संबंध में तो आपने सुना ही क्या कहा, अरे पंचायत उपचार से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि असली वोट और असली जनता गांवों में ही है, जिसके लिए पंचायत का चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं है। और उस लोकतंत्र के उत्सव को उन्होंने जिस तरह से झाड़ा है, उससे आप कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है, पिछले नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ये बाकी शांत रही दावेदार जो अभी कांग्रेस को दिया है, वो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं, कहते हुए पता कह रहे हैं कि बाकी सब ऐसे ही है। तो उसके बारे में बताइए, अगर आप चुनाव ऑडियो बताइए कि क्या चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऑडियो मैंने सुना नहीं है, और ये कांग्रेस के ऐसे ऑडियो और इस तरह के बयान कांग्रेस की आदत में आ गई है। अब जनता के बयानों पे गौर करना बंद कर दिया है। अपने ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वो चोर कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, कांग्रेस में तो डेली सुनने को मिल रहा है, कौन सी नई बात है। प्रत्याशी हैं जो एक बार हार चुके, उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया है, क्या माना जा रहा है ये,
नहीं, एक बार पार्टी चयन नहीं कर पाई है, क्या हो गए हैं? हारने के बाद वो लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं, जिस बार उनकी जीतने की संभावना है इसलिए टिकट दिया गया। जो अभी भी पार्टी के सदस्यता लिए उनको भी आपने टिकट दिया है? मैंने आपसे एक चीज पहले ही कही, हमने सब कुछ ध्यान में रखकर पार्टी में सदस्यता लेना या पार्टी ज्वाइन करना, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक समूह की तरह सबका स्वागत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को देखना चाहते हैं, उस दिशा में हमारा एक कदम है। अशिक्षा का अंधेरा भले ही पूरी तरह से दूर ना हुआ हो, लेकिन कोशिशों के दिए से हम अपने आसपास तो रोशनी कर ही सकते हैं। इसी सोच के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी ज़िंदगी रोशन करने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा गरीब बच्चों की बेसिक पढ़ाई का कार्य शुरू किया गया है। हर दिन करीब 20 से 25 बच्चों को एक घंटे मुफ्त में पढ़ा रही हैं। रीवा शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका निशा पांडे ने विश्वविद्यालय मार्ग में अनंतपुर के पास निराला नगर बंसल बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इस बस्ती के ज़्यादातर बच्चे गंदगी के बीच रहकर कबाड़ बिनने का काम करते हैं। इन बच्चों के द्वारा कबाड़ बिनने की बात सुनकर उनके मन में इनके प्रति दया आ गई, जिसके बाद उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है और इनको पढ़ाना शुरू किया। वो खुद एक शिक्षिका हैं, इसलिए शिक्षा के महत्व को बखूबी जानती हैं, इसलिए वो अपना समय निकालकर इन बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। दरअसल ये बस्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ही कॉलेज है। कॉलेज में शिक्षिका निशा पांडे टहल रही थी, उसी दौरान उनकी नज़र वहीं पर पास खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करके उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, जिसके बाद बच्चों ने बताया कि वो कबाड़ बीनते हैं और इसी के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। इन बच्चों की बातें सुनकर निशा पांडे ने इन्हें पढ़ाने की ठानी और इनकी शुरुआत, पहले वो बच्चों को 15 से 20 मिनट तक ही पढ़ाती थी। शुरुआत में कुछ ही बच्चे उनके पास आते थे, धीरे धीरे बच्चों को भी पढ़ना अच्छा लगने लगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। तब इनकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए वो प्रतिदिन एक घंटा बच्चों को पढ़ाने लगी। पहले इन बच्चों से न तो पेन पकड़ते आता था, ना ही ये अपना नाम ही लिख पाते थे। धीरे धीरे इन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और ये अपने नाम लिखने के साथ ही काफ़ी कुछ जानने लगे। आइए सुनते हैं बच्चों सहित शिक्षिका निशा पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। मैडम आपको पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कितने बजे से क्लास रहती है आपकी? हम लोग की 10 बजे से। क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम? का कबूतर, का खरगोश, ABCD, जोड़ घटाना, 1 2 सब पढ़ाती है मैम। गिनती पिरांजु एक साल से। क्या क्या पढ़ाती हैं? खा गा गा गा, ABCD, 1 2 पढ़ाती है और घर घटाना। घर घटाना कहाँ के रहने वाले हो आप? निराला नगर के। आपके माता पिता क्या करते हैं? कबाड़ा बीनते हैं। कचड़ा यहीं का ही, यही मई है। प्लान बगाइचा, अखबार आगे। ये बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर हमारे कॉलेज के बगल में जो निराला नगर की बस्ती है, झुग्गी बस्ती, वहाँ पे ये सारे बच्चे रहते हैं। कबाड़ी मोहल्ला बोलते हैं उसको। ये सब कबाड़ बिनते हैं, शायद बताते हैं सब मुझे कि हम लोग बिनने जाते हैं, मतलब कबाड़ का सामान। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। सर सारे सब्जेक्ट, मतलब एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारा मैं ध्यान देती हूँ इन बच्चों पे। और इनसे मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि मैं ऐसे वॉक कर रही थी कॉलेज में, तो ये बलराम और एक दो बच्चे पीछे वाले गेट के पास खेल रहे थे, तो मैंने इनको बुलाया, फिर पूछा स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? तब से बैठाने लगे 10 मिनट 15 मिनट। धीरे धीरे इन बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ देखते हुए ये लोग मुझे खुद खींच लिए, और सारे ये 20-25 बच्चे जो हैं इनको मैं पर डे 1 घंटे पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे भी मतलब प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और इम्प्रूवमेंट भी है। पहले जहाँ इनसे पेन पकड़ते नहीं बनता था, नाम लिखते नहीं बनता था, तो इन्होंने अपना नाम लिखना सीखा, नाम लिखना सीखा, और अब धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सर, निःशुल्क है, और ये मैं सिर्फ अपने मन की खुशी और इन बच्चों के प्यार के कारण पढ़ा रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हम जो है देश के हित में भी अगर सोचे तो हम अगर छोटा सा भी योगदान अपने देश के लिए देना चाहते हैं, तो जब हमारे देश के ये छोटे नन्हे मुन्ने जो फूल हैं, जब इनका भविष्य अच्छा होगा तभी हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है
है कि पढ़ना, फिर नौकरी पाना, फिर घर गृहस्थी चलाना, ये तो सब नॉर्मल जीवन के पहलू हैं जो हम पूरा करते हैं। लेकिन उससे हट के जब हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है या हमारा मन करता है, उससे जो खुशी मिलती है, उससे मतलब एक तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से कि नहीं, आपको ये काम करना है। और शायद ईश्वर की ही प्रेरणा हुई थी जो मैं इस तरह से इन बच्चों के पास आई, और इन बच्चों का भी जो मेरे प्रति लगाव है, अगर शायद इनसे मुझे वो चीज़ें ना मिलती तो मैं एक दो दिन पढ़ा के छोड़ देती। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए चाक घाट में टमक्स नदी के किनारे मल्लाही घाट में चल रही जुओ की बड़ी फड़ की सूचना पर चाक घाट पुलिस ने SP के निर्देश पर की कार्यवाही। आपको बता दें कि SP नवनीत भसीन के निर्देश और SDOP त्योथर समरजीत सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने दल बल के साथ दबिश देते हुए जुए की फड़ को पकड़ा है। वहीं ताश के 52 पत्तों पर दांव लगा रहे जुआरियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से नकदी सहित ताश के 52 पत्ते और अन्य सामग्री जब्त की गई है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चाकघाट कस्बे से निकलने वाली टमस नदी के किनारे बने मल्लाही घाट में क्षेत्र के कुछ जुआरियों सहित यूपी के जुआरियों द्वारा जुए की फड़ चलाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद बीती देर शाम दबिश दी गई और यहाँ से 5 जुआरियों को पकड़ा गया है, जबकि अन्य जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से क्रेटा कार, 6 नग मोबाइल, 1 इमरजेंसी लाइट व 1,06,700 रुपये नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कुल 11,08,200 का मसरूका जब्त किया है। चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मल्लाही घाट में चल रहे जुए की फड़ में इन दिनों यूपी से कुछ लोग ताश के 52 पत्तों पर दांव लगाने आ रहे हैं, जिसके बाद घेराबंदी कर जुए की इस फड़ पर दबिश दी गई थी। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्रवाई की गई। हाँ, चाकघाट पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी के पास में कि मलटी टोला है, कोई जगह है, वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं। उस पर से पुलिस ने प्लानिंग करके घेराबंदी करके उनको पकड़ा, और उसमें घेराबंदी में करीब 5 लोगों को पकड़ा गया है। 2 लोग भाग गए हैं, 5 लोग ज़्यादातर यूपी के रहने वाले हैं, और इसमें से एक जुए में राशि के साथ साथ 1,06,000 के आसपास पैसा मिला है। एक क्रेटा जब्त हुई है, और बाकी चटाई, बैटरी, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट, इस तरह का सामान मिला हुआ है जिसका उपयोग करके वहाँ जुआ खेलते थे। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बाकी जो शेष आरोपी तो भगे हैं, उनकी तलाश जारी है। सही लोग यूपी से आकर रीवा में शायद, हाँ, बॉर्डर का एरिया लगता है वो, निश्चित रूप से नदी के इस पार उस पार का एरिया है। कुछ मोटरसाइकिल नदी के उस पार थी जो यूपी का एरिया लगता है, और इसलिए वो भागने में वहाँ से सफल भी हो गए। पुलिस ने दबिश देकर अच्छी कार्रवाई की है, और इसमें जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जो फरार उनको तलाश किया जा रहा है। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बराहा में घर के बाहर सो रहे श्रमिक की धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी हुए फरार। वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना पर मौके पर सिरमौर SDOP नवीन कुमार तिवारी सहित बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा स्टाफ के साथ पहुंचे हैं और घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। फिलहाल वारदात के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों से बात कर संदेहियों की तलाश कर रही है। घटना के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बराहा निवासी मृतक यज्ञशरण साकेत उम्र 55 वर्ष रोजाना की तरह घर के बाहर सो रहे थे, तभी देर रात अज्ञात लोगों द्वारा उसके सीने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस दौरान यज्ञशरण की आवाज़ सुनकर घर के अंदर सो रहे परिजन बाहर निकल कर देखे तो वो लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे, जिनकी कुछ ही देर में मृत्यु हो गई, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था। यज्ञशरण पर हुए प्राणघातक हमले की सूचना परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा और SDOP सिरमौर नवीन तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक यज्ञशरण की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ कर संदेहियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनते हैं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, पुलिस को रात लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यज्ञशरण साकेत, करीब 55 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है, रहने वाला बराक है, और इसकी किसी ने धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर हत्या कर दी है। उसके बाद करीब 12 घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने देखा कि वो व्यक्ति था, अपने घर से करीब 7-8 मीटर की दूरी पर बाहर ही सो रहा था रात्रि में,
और उसको बता रहे हैं कि रात्रि में करीब 2:15-2:30 बजे के आसपास किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद से लोग उठे तो देखा कि उसको कुछ गले के नीचे सीने के पास में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति जहाँ सो रहा था वहाँ से उसको चोट पहुंचाई गई सोते में, और उसके बाद भागा अपने घर की तरफ। घर के पास आके वो गिर गया। उसने आवाज़ लगाई तो उसकी आवाज़ से उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग उठे, तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई तो और दूसरे लोग उठे आके देखे, तो ऐसी जानकारी लग रही किसी ने इस तरह की चोट पहुंचाकर उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। मौके पर हमारी FSL की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, साइबर की टीम, SDP साहब पहुंच गए हैं। सारे लोग उसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जानकारी लग रही है कि कुछ उनका पारिवारिक या कुछ रिश्तेदारी का मसला है जिसके कारण से घटना घटित हो सकती है। पुलिस उसे इंगेज में भी काम कर रही है, बाकी जाँचें पुलिस कर रही है। एक्शन मोड पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने पर सेल्समैन और विक्रेता पर हुई कार्यवाही, दोनों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आपको बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प इन दिनों एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। लापरवाही और अनियमितता के चलते कलेक्टर के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। ताजा मामला सामने आया है जिले के रायपुर करचुलियान व भलुआ गाँव से, जहाँ पर 2 अलग-अलग उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन व विक्रेता को खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर, मामले में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही करते हुए दोनों ही सेल्समैनों को आज जेल भेज दिया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि हितग्राहियों को निश्चित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशों के अनुसार राजस्व अधिकारियों एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिले भर में उचित मूल्य की दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता पाए जाने पर समिति प्रबंधकों एवं सेल्समैनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। आज जांच करने पहुंची निगरानी टीम ने खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर उचित मूल्य दुकान भलुआ के विक्रेता व रायपुर करचुलियान के सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसी प्रकार रायपुर करचुलियान की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता रोहिणी तिवारी द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री वितरित न करने तथा 229 क्विंटल गेहूं, 93 क्विंटल चावल, 7 क्विंटल मूंग की कालाबाजारी करने तथा 6,23,000 रुपये की मुनाफाखोरी करने पर विक्रेता रोहिणी तिवारी के विरुद्ध पुलिस अभियोजन की कार्यवाही की गई है और उसे सीधा जेल भेज दिया गया। वहीं उचित मूल्य की दुकान भलुआ के विक्रेता लोकमणि शर्मा द्वारा मार्च माह में एक भी दिन दुकान न खोलने तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित न करने, साथ ही 100 क्विंटल गेहूं, 46 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल नमक तथा 50 किलो चना की कालाबाजारी कर 3,50,000 रुपये की मुनाफाखोरी करने पर विक्रेता लोकमणि शर्मा के विरुद्ध पुलिस अभियोजन की कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि पहले मैंने बताया है, PDS में अनियमितता अनटॉलरेबल है और इस हिसाब से हम लोग लगातार जांच और सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। और इसमें न केवल फूड को बल्कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, बैंक को, और जो हमारी लीड की एजेंसी है, जो लिफ्टिंग की एजेंसी है, नान को, सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जहाँ भी कोई कमी दिख रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 2 जगह सेल्समैन की लापरवाही सामने आई थी, इस पर कार्रवाई की गई है। PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना लिफ्टिंग के लेवल पर, ना वितरण के लेवल पर। गोविंदगढ़ मार्ग पर सिलपरा नहर और छुईया घाटी में लगातार हो रहे आवागमन अवरुद्ध सहित निर्वाचन कार्य संबंधी निरीक्षण को लेकर आज कलेक्टर मनोज पुष्प, SP नवनीत भसीन ने प्रशासनिक अमले के साथ सिलपरा नहर के नीचे और छुईया घाटी सहित गोविंदगढ़ नगर पंचायत का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान बारीकी से निरीक्षण करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प और SP नवनीत भसीन ने सिलपरा नहर के नीचे जल्द सुधार कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आवागमन अवरुद्ध ना हो। वहीं अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ छुईया घाटी पहुंचे, जहां घाटी में बने सड़क सहित पहाड़ी की टर्निंग का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों को यहां पर भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि जिन स्थानों पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे जाम की स्थिति निर्मित ना रहे और आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। इस दौरान कलेक्टर और SP ने नगर पंचायत भवन कार्यालय गोविंदगढ़ का भी निरीक्षण किया।
साथ ही चुनाव संबंधी व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और दिशा निर्देश जारी किया। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर स्थित सिलपरा नहर के नीचे जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके साथ ही छुईया घाटी में भी आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। इसको लेकर आज कलेक्टर मनोज पुष्प और SP नवनीत भसीन ने निरीक्षण कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए हम लोग लगातार विभिन्न रोड्स का निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसी क्रम में रीवा से शहडोल में रीवा जिले की सीमा तक का जो रोड है उसका मैंने SP साहब के साथ और पूरी MPRDC और PWD की टीम के साथ निरीक्षण किया है। इसमें विभिन्न स्थलों पर जो इशूज आ रहे हैं उनका अवलोकन किया गया और उनमें जो जो विभाग सम्मिलित हैं जिनकी भूमिका है उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया। सिलपरा पुल के इशू को देखा गया है, वहाँ पे जो सीपेज हो रहा है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए इसको लेकर के भी हाइडल प्रोजेक्ट के साथ और MPRDC के साथ उसकी समीक्षा की गई है और उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे जो रोड है उस रोड में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि S टाइप का मोड़ है और जिस पे एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती हैं, तो उसको रेलिंग को ठीक करने के लिए और रोड साइनेजेज कैट आईज और रेडियम लगाने के निर्देश दिए गए। आगे जो इलाका है उसमें लगभग 22वें किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर के बहुत ही गड्ढे हो गए हैं, उस गड्ढे को सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जो घाटी है उस घाटी में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि क्रॉस बार्स नहीं लगे हुए हैं, वो लगाना भी है और उसको ठीक भी करना है। साइनेजेस लगाने हैं और कैटाइज और सिरेडियम बड़ी मात्रा में लगाना है ताकि रात के समय किसी भी तरह के एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं रहा। पूरे रोड में शोल्डर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं और साइनेजेस ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बरसात के समय किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।